हाय गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटे आलू पोटैटो लॉलीपॉप। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। ये मैंने 5 बॉइल्ड आलू ले लिए हैं, इन्हें मैंने मैश कर दिया अच्छी तरह। 2 कप मैंने बेसन ले लिया है और 1 चम्मच गर्म मसाला लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर आमचूर पाउडर लिया है, 1 इंच मैंने ग्रेटेड अदरक लिया है और 1 TSP मैंने ग्रीन चिली सॉस ले लिया है और थोड़ा सा पानी ले लिया है बेसन को घोलने के लिए। तो आइए चलिए, ये देखिए ये मैंने ऑयल लिया है आलू कुरकुरे आलू लॉलीपॉप बनाने के लिए। ये देखिए पोटैटो लॉलीपॉप बनाने के लिए मैंने ये ऑयल ले लिया है और मैंने कढ़ाई में पोटैटो लॉलीपॉप बनाने के लिए कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दिया। आइए चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये हमने मिक्सिंग बाउल में बॉइल्ड आलू ले लिए, इन्हें हमने अच्छी तरह मैश कर लिया। अब हम इसमें मसाला मिलाना चालू करेंगे। ये हमने गरम मसाला मिला लिया है, ये ड्राई मैंगो पाउडर, ये अदरक पूरा डाल लेंगे, ये लाल मिर्च पाउडर और ये नमक डाल लेंगे, चाहे तो आप थोड़ा और नमक डाल सकते हैं, आप टेस्ट करके देख लें। ये देखिए नमक हमने डाल दिया और ये हमने हींग ली हुई है, हींग बेसन में डालने के लिए। अब इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। इन सब मसालों को आलू के संग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब इसमें हम हरा धनिया भी डाल दे रहे हैं। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि आलू में सारा मसाले अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाए। ये देखिए आप चाहें तो इसमें लहसुन गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने गार्लिक नहीं ऐड किया, मुझे ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए अब हम अपना अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये 2 कप मैंने बेसन लिया, अब ये जो मैंने पानी रखा है इससे मैं बेसन घोल लूंगी। बेसन में पानी थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करें, एकदम से ज्यादा पानी मत डालें। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे ऐड करें बेसन में। ये देखिए थोड़ा सा हम पानी और ऐड करेंगे। पानी की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, ना बहुत ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना बहुत ज्यादा पतली होनी चाहिए। ये देखिए
अब हम इसमें थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हम नमक आलू में भी डाल चुके हैं, तो इस बेसन के मिक्सचर में थोड़ा सा हल्का सा लाइटली नमक ऐड करेंगे। इसके बाद हमने हींग ले लिए, वन पिंच हींग डालेंगे, अब चलिए ये हमारा पेस्ट, ये देखिए ये पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इतना इसका पेस्ट होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा गाढ़ा ना बहुत ज्यादा पतला, ये देखिए गाइस। अब हम इसको साइड में रख देते हैं और ये जो हमारे आलू हैं इनकी हम गोल गोल बॉल्स बना लेंगे। देखिए ऐसे, ये देखिए गाइस, ये मैंने एक एक करके सारे गोले पोटैटो लॉलीपॉप्स तैयार कर लिए। और चलिए अब हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये बेसन ले लिया, ये जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि ये घोल लिया, अब इसमें हम थोड़ा सा चिली सॉस भी डालेंगे, थोड़ा सा अच्छे फ्लेवर के लिए। ये देखिए, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ये, हमने गैस गर्म होने रख दी है, अब हम ये गोले जो हमने बना के रखे हैं ये डालेंगे। देख लेते हैं ऐसे करके, गैस गर्म हो चुकी है, ये गोले एक एक करके डाल देंगे। ये देखिए ऐसे इसको डिप किया, ये देखिए ये देखिए, गैस का फ्लेम मैंने मीडियम हॉट पे कर दिया। ये देखिए एक एक करके गोलों को बेसन में डिप करते जाएंगे और ऐसे डालते जाएंगे। ये देखिए गैस का फ्लेम मैंने मीडियम हॉट किया है, ना बहुत ज्यादा तेज करनी है फ्लेम और ना बहुत ज्यादा धीमी करनी है। अब हम इसको धीरे से उलट उलट पलट के चेक करेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से पलट देंगे जिससे ये आसानी से दोनों तरफ से अच्छे से कुरकुरी और टेस्टी हो जाए। थोड़ी देर हम इसे सिकने देंगे और थोड़ा सा गैस तेज कर लेंगे।
खाई गए, देखी गए, ये देखिए ये हमारे पोटैटो लॉलीपॉप बन के रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितने सुंदर, कितने टेस्टी, डिलीशियस लग रहे हैं। इसे आप शाम के चाय के समय, इवनिंग टाइम, टी टाइम स्नैक ले सकते हैं, और बाकी पकौड़ों को भी, बाकी पोटैटो लॉलीपॉप को भी हम ऐसे डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए करें, एक एक गोलू को बेसन में डिप करके ऐसे फ्राई कर लेंगे, और ये बहुत ही जल्दी बनने वाला नाश्ता है। गाइस, आपको मेरा ये रेसिपी, मेरा ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप देखिए हम इसे पलटेंगे, जैसे ही आप डालें तुरंत ना पलटें, थोड़ा सा से होने दें, जब वो एक तरह से सिक जाए उसके बाद इसे उल्टे पलटें, उलट पलट कर इसे दोनों तरह से सेकें। देखिए तब तक हम इसकी, ये देखिए हमारे पोटैटो लॉलीपॉप बाकी भी बनके तैयार हो गए हैं। गैस को बंद कर देंगे और जो बाकी बचे रह गए हैं पोटैटो लॉलीपॉप उनको भी छन्नी से ऐसे थोड़ी देर रोक के इसका जो एक्सेस तेल होगा वो छन जाएगा और उसे हम निकाल लेंगे। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। देखिए ये देखिए गाइस, हमारे पोटैटो लॉलीपॉप बन के रेडी हो गए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। गाइस मेरा ये वीडियो, मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फीडबैक देना ना भूलें।